सो हे वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज के वीडियो में मैं आपके लिए तीन बढ़िया सी MIUI की डार्क थीम है वो यहाँ पर लेके आ गया हूँ। मुझे पता है कि आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो बैटरी सेव करने के लिए डार्क थीम या फिर डार्क वॉलपेपर का यूज करते हैं, तो उन सभी लोगों के लिए आज के वीडियो में तीन ऐसी थीम दिखाऊंगा जिसको आप ऑफिशियली थीम स्टोर पर डाउनलोड कर पाएंगे और ये MIUI 12 पर सपोर्ट भी करता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो गाइस यहाँ पर हमारी जो लिस्ट में पहली थीम है उसका नाम है Code 002। ये ऑफिशियली आपको थीम स्टोर पर मिल जाएगी, वहां पर जाके आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। लिंक और बाकी सारे डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो हमने इसको अप्लाई कर लिया है। लॉक स्क्रीन से बात करते हैं तो लॉक स्क्रीन गाइस आपको सिंपल सा देखने को मिल जाता है। कोई भी यहाँ पर विजेट वगैरह, कोई भी एक्शन यहाँ पर राइट या फिर लेफ्ट में आपको देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर एक अच्छा सा डार्क वॉलपेपर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर बात की जाए होम स्क्रीन की, तो गाइस इस थीम की जो खास बात है उसके आइकॉन्स में छुपी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी कलरफुल यहाँ पर आइकॉन से उसको यूज किया गया है। कोई भी थीम या फिर कोई भी डार्क वॉलपेपर आप यूज कर रहे हैं तो उसके साथ आप ये वाला आइकॉन पैक है उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जहां तक बात है इसके कंट्रोल सेंटर एंड नोटिफिकेशन सेट की, तो नोटिफिकेशन सेट एंड कंट्रोल सेंटर के अंदर आपको यहाँ पर ग्रेडियंट कलर्स देखने को मिल जाते हैं, काफी यहाँ पर अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन सेट भी कुछ इसी तरीके से आपको ग्रेडियंट कलर्स में देखने को मिल रहा है। डायलर्स एंड मैसेजिंग ऐप की बात करें तो इसके अंदर आपको ज्यादातर कुछ थीम वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर कुछ आइकॉन से उसको चेंज किया गया है। तो इस तरीके से गाइस आपको ये पूरा थीम देखने को मिलने वाला है। उसके बाद गाइस यहाँ पर बात की जाए दूसरे नंबर की थीम की, तो उसका नाम है हाफ पेस। ये भी आपको ऑफिशियली थीम स्टोर पर मिल जाएगा। इसका फिलहाल के लिए मेरे पास लिंक वगैरह नहीं है, पर इसका नाम और बाकी सारे डिटेल मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां पर जाके ये वाला थीम भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आप कोई भी ऐसा थीम ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर आपको मिनिमल आइकॉन एंड डार्क मोड चाहिए तो आप इस थीम को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर बात की जाए लॉक स्क्रीन से, तो लॉक स्क्रीन के ऊपर आपको एक अच्छा सा डार्क मोड वॉलपेपर दिया गया है और यहाँ पर जैसे ही आप स्वाइप करेंगे राइट साइड में तो पूरा का पूरा आपको एक एडवांस मेनू यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर यहाँ पर आप चाहे तो इसके टैग लाइन वगैरह चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर म्यूजिक प्लेयर का सपोर्ट दिया गया है, कुछ शॉर्टकट दिए गए और यहाँ पर क्विक सोशल एक्शन भी दिए गए, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया और यहाँ पर टेलीग्राम हो गया, तो उसको आप डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बात की जाए होम स्क्रीन की, तो होम स्क्रीन के अंदर सेम वॉलपेपर आपको दिया गया है और आइकॉन कुछ इस तरीके से आपको मिनिमल लुक वाले देखने को मिल जाता है। यहाँ पर बात की जाए कंट्रोल सेंटर एंड नोटिफिकेशन सेट की, तो उसके अंदर भी आपको कुछ इस तरीके से कलर्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद सिस्टम UI की बात की जाए तो सिस्टम UI यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। डायलर एंड मैसेजिंग ऐप के अंदर आपको कुछ जगह पर कलर्स एंड थीम देखने को मिलने वाला है जो काफी यहाँ पर अच्छा लग रहा है। उसके बाद गाइस यहाँ पर बात की जाए तीसरे और आखिरी थीम की, तो उसका नाम है रिफिंग। ये भी आपको ऑफिशियली थीम स्टोर पर मिल जाएगा, इसका लिंक मेरे पास आ गया है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी हमने अप्लाई कर लिया है। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको इसके साथ जो लॉक स्क्रीन है वो देखने को मिलने वाली है। कलरफुल एक यहाँ पर एलिफेंट का आपको वॉलपेपर दिया गया है, अच्छा सा एक क्लॉक है वो लॉक स्क्रीन पर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर बात की जाए साइड मेनू की, तो साइड मेनू के अंदर आप अपना प्रोफाइल और बाकी कुछ जो सोशल मीडिया एंड कुछ ऐप्स है उसको ऐड कर पाएंगे, तो इस तरीके से आप इसको जो वो एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर बात की जाए होम स्क्रीन की, तो होम स्क्रीन के अंदर यहाँ पर मिनिमल आइकॉन पैक यूज किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी अच्छा यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर आपको कुछ विजेट का सपोर्ट भी दिया गया है। अगर आप क्लॉक एंड वेदर को एक साथ में ऐड करेंगे तो ये वाला जो विजेट है वो आ जाएगा। अगर आपके फोन के अंदर ये वर्क नहीं कर रहा तो एक बार थीम अप्लाई हो जाने के बाद फोन को जरूर से रिबूट कर लेना तो ये वर्क करेगा। उसके बाद यहाँ पर बात की जाए कंट्रोल सेंटर की, तो कंट्रोल सेंटर का जो लुक है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलने वाला है, सभी कलर्स आपको कुछ डिफरेंट देखने को मिलेंगे, इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर बात की जाए नोटिफिकेशन सेट की, तो नोटिफिकेशन सेट कुछ इस तरीके से आपको नॉर्मल सा देखने को मिल जाता है और बाकी जो सिस्टम UI है उसके अंदर कुछ यहाँ पर चेंज नहीं किया है इन लोगों ने।
तो इस तरीके से गाइज आपको ये तीनों थीम देखने को मिलने वाली है। तो अगर आपको ये थीम्स पसंद आती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी थीम का नाम और बाकी जो भी डिटेल वगैरह मेरे पास है वो आपको मिल जाएगा, तो वहां पर जाके आप इसको डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। वैसे गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पसंद आया, मेरा काम पसंद आया तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो बस गाइज आज का वीडियो यहीं तक था, मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो के साथ।